गाइस अगर आप भी डेली यहाँ पे सीएस रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया हमारे फ्री फायर में 2-3 दिनों पहले। और अगर आपको उस अपडेट के बारे में नहीं पता है तो आपकी आईडी जो है वो ब्लैकलिस्ट हो सकती है। और आईडी ब्लैकलिस्ट का मतलब जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आईडी ब्लैकलिस्ट होने के बाद आपका जो फ्री फायर में कोई भी मैच जो है वो लगता नहीं, यहां तक कि ट्रेनिंग ग्राउंड में भी यहां पे जो मैच है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो क्या है वो अपडेट, चलो मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि अब रिसेंटली हमारा OB39 का अपडेट आया और हर अपडेट में यहां पर हमारा सीएस रैंक का जो सीजन है वो चेंज होता है, न्यू सीएस रैंक का सीजन आता है। और जैसा कि आपको पता है काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पे ग्लिच का यूज करके, हैक यूज करके यहाँ पे जो अपने स्टार्स है वो सीएस रैंक का जो रैंक है उसे पुश करते हैं। यहां तक कि भाई रीजनल में भी कुछ दिनों पहले यहाँ पे 999 स्टार्स वाले बंदे दिख रहे थे। मतलब उतना स्टार्स पुश करना एक फेयर प्लेयर के लिए इतनी जल्दी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट ये लोग यहाँ पे अनफेयर तरीके से यहाँ पे ग्लिच का यूज करके, हैक यूज करके पुश कर रहे थे। बट यहाँ पे 2 दिनों पहले यहाँ पे ग्रीनर ने इसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया और जितने भी लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे रीजनल की लिस्ट में थे जिन्होंने यहाँ पे 999 स्टार्स कर रखे थे सीएस रैंक की रीजनल लिस्ट में, उन सभी को उस लिस्ट से यहाँ पे लात मार के निकाल दिया गया। उनका जो रैंक है उसे पूरा का पूरा ब्रोंज कर दिया गया। जो यहाँ पे इन लोगों ने ग्रैंड मास्टर लगाया था उनको पूरा का पूरा लात मार के निकाल दिया गया। और अभी के टाइम पे ये जो जितने यहाँ पे आपको रीजनल में यहाँ पे लिस्ट पे बंदे दिख रहे हैं ये सभी के सभी फेयर प्लेयर्स है। और ये अपडेट यहाँ पे 2 दिनों पहले ही आया कि मतलब जितने भी यहाँ पे अनफेयर प्लेयर्स है उनको यहाँ पे रीजनल की लिस्ट से लात मार के निकाल दिया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे गरीना ये निकाल के लाई है कि अगर अभी के टाइम पे अगर आपका जो स्ट्रीक है वो 40 से ऊपर चला जाता है, यानी जो विनिंग स्ट्रीक होती है सीएस रैंक की वो अगर 40, 45 या 50 चली जाती है तो आपकी आईडी यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप यहाँ पे सीएस पुश कर रहे हो और आपकी जो स्ट्रीक है वो 40, 45 या 50 चली जाती है तो आपकी आईडी यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। और ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि आप 3-4 दिन या बोले तो 1 हफ्ता तक यहाँ पे आप अपनी आईडी से कोई भी मैच नहीं खेल सकते हो क्योंकि आपका मैच स्टार्ट होगा ही नहीं। और काफी सारे यूट्यूबर्स की आईडी जो यहाँ पे ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, लाइक नल्ला नोनी, एनएक्सटी, मैक्सा जो कि क्लासिक गिल्ड में है, इनकी आईडी यहाँ पे ब्लैकलिस्ट हो चुकी है क्योंकि इनकी जो स्ट्रीक थी वो 41 या 45 थी, तो उनका जो यहाँ पे आईडी है वो ब्लैकलिस्ट हो चुका है, मतलब उनका मैच अब नहीं लगेगा। सो आप भी अगर सीएस रैंक पुश कर रहे हो अगर आपकी स्ट्रीक यहाँ पे 30 से ऊपर चली जाती है तो भाई मतलब रुक जाओ, मैच हार जाओ ये मंजूर है, लेकिन आईडी ब्लैकलिस्ट मत करवाना क्योंकि आईडी ब्लैकलिस्ट का मतलब 1 हफ्ते तक गेम नहीं खेल पाओगे। और ये अपडेट ग्रेनर ने इसलिए लाया क्योंकि जो ग्लिच यूजर्स होते हैं भाई उनकी स्ट्रीक देखी है तुम लोगों ने, 99 प्लस की स्ट्रीक लेके घूमते हैं वो लोग, 99, 80, 50, 60 की स्ट्रीक, तो उन्हीं के खिलाफ यहाँ पे ग्रेनर ने यहाँ पे एक्शन लिया है कि जिनकी स्ट्रीक यहाँ पे 40-50 चली जाती है तो वो लोग फेयर नहीं होते, मतलब मैक्सिमम फेयर नहीं होते, कुछ लोग फेयर होते हैं, फेयर खेल के यहाँ पे जो स्ट्रीक है उन्हें बना लेते हैं, तो उन्हीं मैक्सिमम प्लेयर्स के लिए जो यहाँ पे अनफेयर तरीके से यहाँ पे मतलब स्ट्रीक बना लेते हैं, सीएस रैंक पुश करते हैं, स्टार्स प्लस करते हैं, तो उन्हें के लिए ये वाला जो ब्लैकलिस्ट वाला आईडी है अगर आपकी स्ट्रीक ज्यादा होगी तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ये अपडेट लाया गया है। तो यही अपडेट आप लोगों को देना था कि अगर आपकी स्ट्रीक 20-30 से ऊपर चली जाती है तो मैच हार जाओ लेकिन आईडी ब्लैकलिस्ट मत करवा लेना। तो चलिए यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके जितने भी सीएस पुश करने वाले फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।